ऑल सेट, थैंक यू राजकुमार, ये होस्ट यहाँ के नंबर वगैरह लिंक पे रहेगा, तो इन फ्यूचर कभी आना रहेगा तो कांटेक्ट करके आ सकते हैं। लेट हो गया, सुबह उठ के जा रहा था जल्दी, लेकिन ठंडी लग रही थी तो सो गया एक्स्ट्रा। इनका हैप्पी फैमिली होम स्टे, यहाँ पर आप बुग्गा वगैरह कॉटेज वगैरह बुक कर सकते हैं। लखपत ये तो क्या बोलते हैं पता नहीं, आएगा सिर्फ बिंगो की ही टाइप है। सीधा कितना दूर? 40 ऐसे ही रास्ता है, सही है ना रास्ता आगे से? अभी कितना दूर है नरा? साग की खेती हो रही है, कैसे पंजाबी बस्ती है पूरी, देखो पंजाबी वाट वगैरह ऐसा करके कुछ तो लिखा हुआ था बीच में, और लोग जो दिखे भी वो पंजाबी जैसे दिखे। नरा नरा गांव आ गया, लखपत 19 किलोमीटर है। तो वेलकम टू लखपत टूरिस्ट गाइड, किला किधर से देखने का? किला देखना है, किला ये किला है, कैसा देखने का? यहाँ से चले जाओ हाँ, तो वहाँ होटल तक वहाँ तक जाएगी गाड़ी आपकी बुलेट, ये वाली ना, यही रोड चले जाओ, यही रोड हाँ, वहाँ से बस स्टेशन आएगा, ऐसा बस स्टेशन चौराहा
उसे इधर ले लेने का, सब ऑटो में कहां पे दिखाई रहा है ना। हां सब घूम के देख के आऊं। उधर लोग बैठे सब ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की चढ़ाई, 2-2.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद लखपत फोर्ट पहुंच चुका हूं मैं। काफ़ी बड़ा किला है, हेलो, मैंने कुछ तो देखा था पहले तो कितने किलोमीटर के अंदर फैला पड़ा हुआ है। और ये इस तरफ का इंडिया का लास्ट विलेज है, उसके एक्सट्रीम साइड पे लास्ट में एक इंडर का आर्मी पोस्ट है, उसके बाद बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान जो कल भी अपने को दिखा था। ये देखो भाई साहब, यहाँ से फैला हुआ पूरा सर्कल बनाया हुआ है। काफी विंडी है, काफी तेज हवा है, ये पूरा सैंड डेजर्टेड है। आगे नमक, समुद्र का पानी, तो इतना बड़ा फोर्ट है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हो आराम से। निगरानी के हिसाब से फोर्ट रखा हुआ था उस टाइम पे। आई गेस जो मुझे पता है ये फोर्ट का नाम लखपत क्यों रखा गया था, बिकॉज पहले के समय में सब कौड़ी वगैरह का ये चलता था, कौड़ी के ऊपर ही सब चलता था। तो ये एक मेन एरिया था, मेन ट्रेडिंग प्लेस था, जिसपे कौड़ी और उसपे कुछ तो लाखों के बीच में सौदे होते थे, तो उसके बेसिस पे इसका नाम लखपत रखा गया था। काफ़ी विंडी है, उस पर काम चल रहा है, आई गेस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टूरिज्म कुछ तो और भी डेवलप कर रही है ये प्लेस को। अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है, बिकॉज अगर आप देख रहे होंगे तो टूरिस्ट इतने अट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पर भी तोप पड़ी हुई है छोटी सी, ये किसी के लिए लड़ाई के लिए किला बना ना। हाँ ऐसा किला पड़ा है, कुआरा लड़ाई हुई नहीं कभी भी, कभी भी लड़ाई नहीं हुई। ये खजाना इसमें क्या रखा हुआ पता, वो इसका साधन का दारू का गोला का। हाँ ये खजाना इसमें रखा हुआ। अच्छा, और लेकिन किला बनाया कब था? वो 400-500 साल से गया। 400-500 साल हो गया उसको? हो गया। ओके। किसने बनाया था? फतेह खान की फौज बनाया था। फतेह खान की? हाँ, नीतियार की। अच्छा, इसका नाम लखपत कैसे पड़ा? उस टाइम पहले जो ये पकड़ना खोली थे ना। हाँ। उस टाइम में लाख कुड़ियों का आवक था। लाख कुड़ियों कोड़ियों का चांदी का कुड़ियों था। हाँ। पैसा। हाँ। आज पैसा निकला, पहले चांदी का था। हाँ हाँ हाँ। इसके लाख के आवक हुई हुआ उसका, वो लाख में पड़ता था इसलिए उसको लखपत नाम दिया। लेकिन कभी लड़ाई हुई नहीं है। ये कितना लंबा किला है सर? ये 9 किलोमीटर में है। 9 किलोमीटर में दिखता नहीं, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर है बहुत छोटे है, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर तक फैला हुआ है किला। लड़ाई से बचने वगैरह के लिए बनाया हुआ था, बट लेकिन कभी लड़ाई हुई नहीं है। उसके अलावा बाकी ये जो है गोला बारूद वगैरह का सब रखने का सामान, इसमें कुछ नहीं ना अभी, यहाँ पे सब सेव करने के रखा था, मतलब इनके सभी कभी फोर्ट की डालना पड़ सकता है, तो यहाँ पे सब स्टोर कर रखते थे। वहाँ पर भी कैनन है, इधर भी कैनन है, अलग अलग जगह पर कैनन वगैरह रखे हुए हैं। उम्र क्या है आपकी? 75। शाबाश। सो ये रहा लखपत फोर्ट, फोर्ट घूम लिए देख लिए। आज टूरिस्ट काफ़ी कम है, काका जिस तरह से बताया रोज़ टूरिस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा, आज कंपेरेटिवली कम है, डोंट नो व्हाई, बट होगा कुछ रीज़न, कल थे बोल रहे थे अच्छे खासे। सो अभी बज रहे हैं 12:30, कोशिश क्या है, पहुंचना ही है भुज, और भुज में एक दो कोई भी स्पॉट देखेंगे, फिर विल कॉल इट अ डे एंड विल फर्दर अहेड।
गांव है, पूरा गांव में ही एक्चुअली फोर्ट बसाया हुआ है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए इंडिया को कि हम सब एक है। उलिया अल्लाह हजरत पीर सैयद गौस मोहम्मद शाह कादरी, स्वच्छता रखो, दरगाह है। वो दरगाह थी, काफी खूबसूरत कार्विंग वगैरह किया था उसके अंदर, और वेल मेंटेन्ड है, प्रिजर्व्ड है। ये गुरुद्वारा बनाया जा रहा है, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार है। व्यायाम करने वाले मनुष्य का तन एवं मन हमेशा प्रफुल्लित एवं स्वस्थ रहता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। वाह, कितना अच्छा लिखा हुआ है व्यायाम के बारे में। इसी के बारे में भी जस्ट मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, मेरे कॉलेज के लिए। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इसके ऊपर कहीं स्क्रीन पे आता रहेगा। रोक दिया गया है आपको, सुरक्षा के लिए खेद है। इलेक्ट्रिसिटी का वायर क्रॉसिंग कर चढ़ाया जा रहा है, शायद से उतारा जा रहा है, उसके लिए रोक के रखा है कॉस्टली पर्पज़, बिकॉज क्या है, हाई वोल्टेज एरिया रहते हैं, हाई वोल्टेज वायर्स रहते हैं। उठाया वायर ऊपर, खींचा, ट्रैक्टर से खींच रहे हैं। थैंक यू। से 10 किलोमीटर दूर है, मैंने बेप लगा दिया है। पहले जाऊंगा मैं आईना महल, आईना महल के बगल में ही कोई एक और पैलेस है, वो करूंगा। उसके बाद डिसाइड करूंगा कि आज क्या करना है भुज में। और दो चीज़ तो करना ही है पहले, फिर देखते हैं। पता नहीं, बहुत ही पता थी, लेकिन बहुत ही उमदा और खूबसूरत इस वीराने रेगिस्तान की जगह पर लेक है कोई तो। इंट्री कहाँ से है?
सुबह साहब आग महल और आईना महल देख के हो गया। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी तो नहीं है बट अच्छा भी है। पुराना है बहुत साल, आई गेस वो सबसे पुराना है। 240 से 250 साल पुराना है। दोनों आजू बाजू में ही है। आईना महल सबसे पहले बनाया गया था तो लखपतराजी, आई गेस लखपतरानी सब दिस वॉज दिस थिंग रानी थी जो, तो उनको गाने पीने गाने बजाने का बहुत शौकीन था। तो उनके बोलने के हिसाब से, उनके शौक के हिसाब से आईना महल बनाया गया था। उसके बाद ये प्राग महल बनाया गया है जो भुज कच्छ में है। तो जैसे कि ऑलमोस्ट अभी तक 18 राजाओं ने इसके ऊपर राज किया है। तो 2001 में जो भूकंप आया था तो आईना महल का पूरा ही ध्वस्त हो गया था। ये पहले इसमें क्रैक्स वगैरह आए हैं जो कि वीडियो में आप देख सकते हो। ये बाहर का हिस्सा, पीछे साइड का, ये जो प्राग महल का काफी ज्यादा ध्वस्त हो गया था। और वो समय तो 15 साल से बन ही रहा है, अभी तक बना नहीं है पूरी तरह से। तो प्राग महल में देखा होगा आपने, मैंने ये वीडियो पे दिखा रहा हूँ, ये जो एक उनका दरबार लगता था तो उसी में जो अपनी ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी जो कि ऑलमोस्ट जीत गई थी, मेरे हिसाब से जीतना भी चाहिए था, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो इंडियन मूवी है बट उसमें जिस तरह के रोल अदा किए थे लोगों ने और जो स्टोरी टेलिंग थी, स्टोरी लाइन थी पूरी काफ़ी अच्छी थी। हाँ, उसकी जो कम्पिटिटिव मूवी थी, विनर जिसने जीता था ऑस्कर, ब्यूटीफुल माइंड, वो भी कम उमदा ऊंचा नहीं थी। लगान मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। हाँ, तो प्राग महल में एक काफ़ी अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह दिखाया गया था। एक यूनिक सिटिंग अरेंजमेंट था, लव चेयर बोलते हैं, लव चेयर बिकॉज उसके एक ही अटैच्ड कुर्सियाँ हैं, एक का मुँह इस तरफ एक का मुँह इस तरफ, सो दैट पार्टनर कैन सी ईच अदर। ये कुछ तो है, म्यूजियम है आई गेस, पार्टनर एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को रिझा सकते हैं। म्यूजियम में अभी नहीं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ मोस्टली अगर कल मैं कर सकूँ म्यूजियम। होटल लेक व्यू है, क्या है इधर पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेक व्यू है तो कॉस्टली तो रहेगा ही। सो मार्केट घूम घूम के हो गया, तो आज कच्छ में दो जगह सिर्फ, दोनों फोर्ट वगैरह घूमे, उसके बाद आराम किया, मैं रिलैक्स किया, रेस्ट किया होटल में, फिर मार्केट घूमने निकल गया। मार्केट घूम फिर के आया ऐसे ही, जस्ट वॉक वगैरह यही लेक के बगल में वॉकिंग लिया शाम का। ये होटल सामने है, होटल लेक साइड है होटल। तो अभी जा करके डाटा पैकिंग, डाटा ट्रांसफ़र वगैरह कर करके बाकी सामान पैक करके रेडी करता हूँ। मोस्टली कल मैं अहमदाबाद जाऊँगा, अहमदाबाद में
फ्रेंड वगैरह से मिलना है, उसके बाद फिर आगे मुंबई की तरफ निकलूँगा। सो यस दैट्स इट, ये ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। कल देखते हैं, अगर अहमदाबाद में घूमूंगा तो कुछ दिखाता हूँ, अदरवाइज रिटर्न जर्नी नहीं, देख मुंबई बैक टू मुंबई। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, एंजॉय, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। बाय बाय।